नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश तिवारी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः 3 मई तक लॉकडाउन होने की घोषणा कर दी। ऐसे में अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर अपने मनोरंजन के साथ आपको एक नई प्लेटफॉर्म मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कला संस्कृति को समर्पित संस्कार भारती की। संस्कार भारती की सिवान इकाई घर में रह रहे सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रारंभ किया है, जिसका दूसरा एपिसोड आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप ही शामिल हो सकते हैं। अगर आप काव्य पाठ करते हैं, अगर आप कहानी अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप अच्छा चित्रकला बनाते हैं, अगर आप रंगोली बनाते हैं, निबंध लिखते हैं, या आप नृत्य वादन करते हैं, तो आप ही अपना 2 मिनट का वीडियो बना करके आप कमेटी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और आप इस प्रतियोगिता में शामिल हों, ताकि लॉकडाउन के दौरान आपको घर में रहते हुए बोरियत न हो और आप लॉकडाउन संपन्न होने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म संस्कार भारती के बैनर तले आपको सम्मानित भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज ही आप अपना वीडियो बनाकर संस्कार भारती कमेटी के व्हाट्सएप नंबर पर जरूर दें। मैं चंद्रमा चंद्रा हूँ। ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये RSS और गायत्री परिवार में गाए जाते हैं। मैंने अपने धुन में इसे पिरोने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एक संगीतकार भी हूँ, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए। चलो श्रम करें, आज खुद को संवारे, जुगों से चढ़ी जो उदासी उतारे। चलो श्रम करें, आज खुद को संवारे, जुगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, सुबह क्या कहेगी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। आई है इस दुनिया में बीमारी, डरो ना, बाहर निकलो ना, घर पर ही रहो ना, बाहर निकलो ना, दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, हाँ दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, सेफ्टी की खातिर अपना मास्क लगाना, खांसी जुकाम बुखार आए तो। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है, मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है, खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, एक मीटर की दूरी हो। नमस्कार, आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मंगल कामना है, शुभ कामना है बाबा अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर। हम सभी जानते हैं ये उत्तर बिहार का अपना क्षेत्रीय उत्सव, एक क्षेत्रीय पर्व सतुआन। आज के दिन हम लोग सतुआ खाते हैं, एक परंपरा है सतुआ खाने की, उसकी भी सतुआन की भी आज बधाई आप सबको। कला के क्षेत्र में अग्रणी संस्था संस्कार भारती एक अखिल भारतीय संस्था है, उसके सिवान इकाई ने इस राष्ट्रीय आपदा जो कोरोना नामक आपदा आई है अपने देश में, उस आपदा में भी अपने यहाँ के कलाकार हतोत्साहित नहीं है। अपने कला का परिचय देते हुए आप सबको उत्साहित करने में लगे हैं। इसके पहले एपिसोड में आपने देखा राष्ट्रीय स्तर के कवि को, अनेक बहनों ने अपने नृत्य किया, अनेकों ने अपनी पेंटिंग आप सबके सामने दिखाई, कईयों ने तो कविता भी बोला पढ़ा। आज के एपिसोड में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगीतकार का एक संगीत हम आपको सुनाएंगे, कोरोना के ऊपर कविता, योगा और नृत्य का संबंध, एक कलाकार योगा से भी अछूत नहीं होता है, आज योगा भी बहुत जरूरी है, ऐसे में एक अपनी बहना योगा का भी दर्शन आप सबके बीच लाएंगे। अनेक स्थानों से अपने सिवान के नगर से, सिवान के बाहर से भी अनेक स्थानों से चित्रकला बच्चों ने बना के भेजा, उस पेंटिंग का भी दर्शन आज के एपिसोड में हम कराएंगे। धन्यवाद के पात्र हैं, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, राकेश तिवारी जी का, जिन्होंने संस्कार भारती के माध्यम से नवोदित कलाकारों को, स्थापित कलाकारों को अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच दिखलाया। तो आज का एपिसोड तो यही है, आज ये दूसरा एपिसोड है, इस एपिसोड में हम बहुत सारी बातों को लेके आने वाले हैं। पुनः मैं आप सबको ध्यान दिला दूं कि कोरोना को भगाना है तो घर में रहना है, एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखना है,
हाँ, ऐसे में जब भी आपको मौका मिल जाए, जब भी कोई आपके मित्र याद कर दे, तो उसे एक बार फोन करके उसका हाल चाल ले ले, उससे पूछे कि तुमको कोई कष्ट तो नहीं है, कहाँ तक उस कष्ट को आप निवारण कर सकते हैं एक कलाकार के नाते, इस पे एक बार चिंता करें। तो ज़्यादा समय ना रहते हुए मैं पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह के साथ बोलता हूँ कि घर में रहें तो सुरक्षित रहें और इस राष्ट्रीय आपदा कोरोना नामक राक्षस से हम सभी बचे रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए अब एपिसोड के तरफ ले चलते हैं, राकेश तिवारी जी के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से। नमस्कार।